हेलो एवरीवन, आज हम बनाने वाले हैं जन्माष्टमी स्पेशल खीर और हम भगवान को खीर का प्रसाद का भोग लगाएंगे। बहुत ही स्वादिष्ट और जल्दी बन जाएगी ये खीर, तो आप ये खीर ज़रूर बना के देखिएगा, बहुत ही टेस्टी लगेगी। और ये त्यौहार स्पेशल है, आप इसे त्यौहार पे ज़रूर बनाइएगा और भोग में आप इसे ज़रूर लगाइएगा। अगर आपको रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक शेयर भी कीजिएगा। तो चलिए हम बनाने वाले हैं साबूदाने से बहुत ही स्वादिष्ट खीर, तो स्टार्ट करते हैं। तो हमने सबसे पहले एक कटोरी लिया है साबूदाना। अब इसे हम एक दूसरे बर्तन में डाल के इसको हम धो लेंगे, एक बार अच्छे पानी से वॉश कर लेंगे। वॉश करने के बाद पानी निकाल देंगे और इसमें पानी डाल के रख देंगे इसे सोक करने के लिए एक घंटे के लिए। एक घंटे बाद ये अच्छे से फूल जाएंगे। ये देखिए पानी सोख लिया है और हम इस तरीके से दबा के देख लेंगे, ये अच्छे से दब रहे हैं। ये देखिए अच्छे से फूल गए हैं। अब गैस पे एक पैन रखेंगे, इसमें हम थोड़ा सा पानी डालेंगे। पानी डालने से दूध चिपकेगा नहीं। अब हम इसमें डालेंगे दूध। तो यहाँ हमने इस कप से 3 कप लिया है दूध। अब हम इस दूध में ये भीगे हुए साबूदाने को डाल देंगे और इसमें हम थोड़ा सा ये केसर वाला दूध रखा हुआ था हमने अलग से, वो भी इसमें मिक्स कर देंगे। और अब हम इसे पकने देंगे। जैसे ये थोड़ा सा पक जाता है तो हम इसमें ड्राई फ्रूट को ऐड कर देंगे। ड्राई फ्रूट को आप घी में फ्राई करके भी डाल सकते हैं या फिर ऐसे भी डाल सकते हैं। तो मैंने ऐसे बारी बारी चॉप करके डाल दिए ड्राई फ्रूट। अब हम इसमें डालेंगे शुगर। जब ये अच्छे से पक जाएगी ना तब हम इसमें शुगर डालेंगे। तो यहाँ हमने 1 कटोरी शुगर डाली है और इसे हम चलाते रहेंगे और इसे पकने देंगे। अब ये पक के बिल्कुल रेडी हो गई, गैस की फ्लेम बंद कर देंगे और हम इसे नीचे रख लेंगे उतार के। अब हम इसे सर्विंग बोल में निकाल लेंगे और 1 कटोरी में हम इसे निकाल लेंगे। तो ये हमारी बहुत ही टेस्टी और यम्मी खीर बनके तैयार हो गई है। हम इसे डेकोरेट कर लेंगे थोड़ा सा ड्राई फ्रूट से। ये देखिए कितनी गाढ़ी और यम्मी रबड़ीदार खीर बनके तैयार हुई है। बहुत ही टेस्टी है और बहुत जल्दी बन जाती है, ज़्यादा टाइम लगता है। आप इसे झटपट से बना सकते हैं। अगर आपके पास बहुत कम टाइम है तो आप इस खीर को ज़रूर बना के ट्राई कीजिएगा। तो ये देखिए हमारी टेस्टी से यम्मी सी खीर बनके तैयार हो गई है फ्रेंड्स। तो अब ये भोग के लिए तैयार है, आप इसे भोग में लगा सकते हैं। आप ये वाली खीर भी बना सकते हैं या आप कुछ और बनाना चाहें वो भी बना सकते हैं। बट मैंने ये बहुत ही सिंपल सी रेसिपी आपको बताई है, बहुत जल्दी बन जाती है कम टाइम में, तो आप इसे ट्राई कर सकते हैं फ्रेंड्स। अगर रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना, नोटिफिकेशन में जाके बेल आइकन को प्रेस करना, जिससे मैं जो भी नई वीडियो अपलोड करूँगी उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेंगी। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। टेक केयर, बाय।